आशीष और आप भी सुन रहे हैं क्रिकेट विद आशीष में। आज की वीडियो का टॉपिक बॉलर है, फास्ट बॉलर के ऊपर ये टॉपिक है, क्योंकि आप देख रहे हो कि क्रिकेट के अंदर सबसे ज्यादा इंजरीज का जो सामना करना पड़ता है वो फास्ट बॉलर को करना पड़ता है। बहुत ज्यादा स्टैमिना चाहिए बॉलिंग करने के लिए। आपके अंदर टैलेंट है, आपके अंदर टेक्निक है, आपका इनस्विंग अच्छा है, आपका आउटस्विंग अच्छा है, लेकिन दो ओवर के बाद अगर आप थक गए हो तो आपका इनस्विंग आउटस्विंग बेकार हो जाएगा, रखा रह जाएगा, वो उसका कुछ नहीं यूज कर सकते आप। तो इसलिए अगर आपने 10 ओवर कर रहे हैं तो आपका बॉडी फिट होना जरूरी है। जिस स्पीड से आप पहला ओवर कर रहे हो ना, तो उसी एनर्जी के साथ आपका लास्ट ओवर भी होना चाहिए। वो कैसे होगा? जब आपका बॉडी फिट रहेगा। हमको बताते हैं कि हमारा रन अप स्मूथ होना चाहिए, हमारा जंप अच्छा होना चाहिए, जंप के बाद हमारा वेट ट्रांसफर अच्छा होना चाहिए, तभी आपका बॉल रिलीज होगा। लेकिन ये सब चीज़ें होंगी कैसे? ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आपकी बॉडी फिट रहेगी। ग्राउंड पे जाकर के आप थोड़ा अपना बॉडी को एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा ड्रिल्स के साथ अपनी बॉडी को फिट रखेंगे, क्योंकि क्रिकेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो इंजरीज का सामना करना पड़ता है वो फास्ट बॉलर को करना पड़ता है। फास्ट बॉलर की लाइफ बहुत छोटी हो जाती है अगर उसकी बॉडी फिट नहीं है तो। अगर एक इंजरी आपको हो गई तो उससे उसका गेम 5-6 महीने पीछे चला जाता है। डॉक्टर सीधा बोलता है कि अब आपको रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको हल्का सा भी इंजरी हो गया बैक पे या आपको एंकल पे तो बहुत मुसीबत हो जाती है, क्योंकि तेज भागना, फिर आपको जंप लेना और बहुत पावर से बॉल करना, तो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपको पता है, आप किसी भी बॉलर का एग्जाम्पल ले लो, बहुत सारे बॉलर्स हैं जो कि अभी आए बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन आपने देखा इंजरी हो गई तो कई महीने कई साल तक आपको वो बॉल करते हुए नहीं दिखे। तो फास्ट बॉलर खासकर अपनी बॉडी का ध्यान रखें, अपनी फिटनेस का ध्यान रखें। आप जितना फिट रहेंगे आप उतने अच्छा गेम खेलेंगे, आपका गेम लंबा हो जाएगा, आपकी जर्नी लंबी हो जाएगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।